पैसेंजर को पता नहीं चलता है कि ये स्पेशल पर्सन है, तो जब वो बैठते हैं और तकरीबन थोड़ा सफ़र तय हो जाता है तो वो देखते हैं घेर मारते हुए ब्रेक मारते हुए, तो वो बोलते हैं यार ये कोई जता इश्यूज़ है, फिर वो पूछते हैं तो उनको पता चलता है। कभी कभार ऐसे एक दफ़ा तजर्बा हुआ है कि एक तो पैसेंजर को ये पता चला है स्पेशल पर्सन है, वो पूछते हैं यार भाई आप हमें अपने मुकाम तक पहुँचा देंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी। मैंने कहा यहाँ बेधड़क बैठिए, आप सफ़र कीजिए, आपको मज़ा ना आए तो फिर बोलिए। हाँ, जिस चीज़ का पता चलता है तो वो बोलते हैं कि जो किराया होता है उससे बढ़ा के देते हैं वो किराया, कि यार आप रख लो, हमें खुशी हुई आप ऐसी कंडीशन में भी काम कर रहे हैं और रिस्क हलाल कमा रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी को थोड़ी सी उंगली भी कट जाए तो वो आग पिलाने से दरेक नहीं करता। तो मैं ये चाहूँगा कि देखें किसी की इज्जत नफ्स होती है उसको मजबूर हरगिज़ ना किया जाए, आप सिर्फ इतना करें कि आप उसके साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ सफ़र करें, आपको किसी किस्म का उसमें कोई लॉस नहीं। अक्सर देखने में आया कुछ पैसेंजर को अगर अंदाज़ा हो जाता है यार ये स्पेशल पर्सन है तो यार हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मोडिफाइड किया हुआ रक्षा है, इससे किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये टेम्परेरी मैं रक्षा चला रहा हूँ लेकिन मेरा जो हदफ है वो ये है कि मैं अभी तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ था जहाँ मैं डिफरेंट एबल पर्सन को एडुकेट कर रहा था, कंप्यूटर एजुकेशन फ्राहम कर रहा था। वो एक अच्छा एग्जाम था, एक अच्छा मतलब मोटिव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के वजह से जो डिसीज़ आए कोरोना के तो उसमें वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो उसमें जाहिर सी बात है अब नए सिरे से खोलना है, ठीक है, नए सिरे से सारा मामला करने, तो इसमें बड़ी मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि फ़ंड रेजिंग नहीं है। अगर कुछ लोग साहिब सर्वर लोग मेरे साथ ताउन करें तो मैं माशरे को ऐसे अपने डिफरेंट पीपल को इस तरह एडुकेट करूँगा कि वो बाइज्जत नौकरी करेंगे और न सिर्फ नौकरी करेंगे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें और एक फाल चेरी होने का वो सबूत देंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ऐसे इदारे अभी तक अभी भी ऐसे इदारे नहीं हैं जो माजूर अफराद को या स्पेशल पर्सन या डिफरेंट एबल्ड लोगों को तालीम प्रोवाइड करते हों या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नारा जैसा कोई बंदा अगर जॉब करता है किसी प्राइवेट इदारे में तो वो कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल बंदे से, और जहाँ वो देखते हैं कि यार ये जो है हमारे लिए इतना साजगार नहीं है, मतलब इतना कारामद नहीं है, तो हम इस पर इतना क्यों पे करें, वो मना कर देते हैं, वो जॉब पर रखते ही। जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो इंटरव्यू में हमारी फाइलें ही नहीं देखते, हमारी एहलियत नहीं देखते, वो सिर्फ हमारी फिज़िकली कंडीशन देखते हैं और मना कर देते हैं। तालीम से ये शौर मिला कि मैंने अपने जैसे स्पेशल पर्सन लोग थे उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ात से कई स्पेशल पर्सन को फ़ायदे हैं, उनको कुछ करता हूँ मैं उन लोगों के लिए और उनको भी उम्मीद है मेरे से।